हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज लेआउट में थीम्स टैब की, सॉरी पेज लेआउट टैब में थीम्स ब्लॉक की। तो इसको समझने के लिए देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें आप इस ये क्या करता है थीम्स, ये पूरे डॉक्यूमेंट का जो है डिज़ाइन चेंज कर देता है। इसमें आप इसके थ्रू कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और उसका इफेक्ट भी देख सकते हैं, इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं थीम्स ब्लॉक के यूज करने के बाद। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ले लेते हैं डाटा। जैसे कि हमने एक कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि सुपर कंप्यूटर हमने लिखा, एक ले लेते हैं। ये हमने कुछ मैटर ले लिया है। अब इसको समझने के लिए देखिए, इसमें क्या है कि इससे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, पूरा डिजाइन चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो जब कलर तो तभी चेंज होगा जब इसमें हम कुछ कलर करेंगे, बिकॉज अगर आप ऐसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से चेंज होगा, है ना। तो इस तरह से सिंपल हो रहा है ना। बट आप चाहते हो कि कलर वगैरह भी आए और इस तरह से उसमें चेंजेस करने हैं, या फिर फॉन्ट उसका तो हो ही रहा है चेंज, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसको हेडिंग बनाना पड़ेगा। तो हेडिंग बनाने के लिए आपको पहले ही हम बता चुके हैं, इसमें आपको होम पे जाना है और जिसको हेडिंग बनाना है, देखिए सबसे पहले तो होम पे क्लिक करना है, होम टैब पर, और जिसको आपको हेडिंग बनाना है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। आपने इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया माउस से, ठीक है, और यहाँ पे देखिए हेडिंग वन आ रहा है, तो हमने हेडिंग वन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इसी तरह से इसको सेलेक्ट किया, हेडिंग वन पे क्लिक कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, हेडिंग वन पे क्लिक कर दिया। अब हमने ये सारी हेडिंग बना ली है। अब हम देखते हैं वहां पे जाके इफेक्ट चेंज होता है या नहीं। तो पेज लेआउट में जाते हैं और देखिए थीम्स में जाते हैं। अब देखिए तो डिजाइन चेंज हो रहा है, ये देखिए। तो जिस तरह की थीम्स आपको चाहिए, इनबिल्ट होती है इसमें, तो आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। तो हमने इस तरह से कुछ चूज कर लिया है। अब हम इसमें कलर जो है चेंजेस करना चाहते हैं, इसका जो हेडिंग का कलर है ये भी चेंज हो जाए, है ना। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है कलर्स पे, और जो भी आपको कलर चाहिए अप से डाउन करेंगे, तो जो भी आपको कलर चाहिए तो आप इस तरह से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। हमने जो है ये कलर ले लेते हैं, देखिए कलर ले लिया। इसके बाद ये होता है थर्ड ऑप्शन है फॉन्ट। फॉन्ट में क्या होता है कि इसमें जैसे कि सबकी राइटिंग अलग अलग होती है ना, तो आप इसमें फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यानी राइटिंग चेंज कर सकते हैं, है ना। तो लिखे हुए का स्टाइल चेंज हो जाएगा यहाँ से फॉन्ट से। तो जो भी आपको फॉन्ट चाहिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। देखिए इसमें कैसा आ रहा है, इसमें कैसे आ रहे हैं करेक्टर्स, इसमें कैसे आ रहे हैं, तो सब में आपको अलग अलग दिखाई देंगे करेक्टर। देखिए इतने सारे हैं, तो जो भी करेक्टर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो वो आप फॉन्ट ले सकते हैं उस करेक्टर के लिए। तो हमने सारे करेक्टरों में ये फॉन्ट ले लिया। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका हमने यूज कर लिया और हमने इसको थीम्स कलर और फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं ये भी हमने क्लियर कर दिया। अब इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, तो जैसा आपको शो हो रहा है वैसे ही प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो प्रिंट आउट भी वैसे ही निकल जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, प्रिंट में जाना है और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो प्रिंट प्रीव्यू में वही दिखाई देता है जैसा कि आपका प्रिंट आउट में निकलेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह का निकलेगा आपको। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम इसका यूज कैसे करते हैं, और इफेक्ट आप ऑनलाइन भी इफेक्ट देख सकते हैं, है ना। तो बट ये यूज नहीं होगा अभी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो चुका होगा थीम्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम पेज सेटअप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।